This conference will now be recorded. बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं फाइल में एक एक्सपायरी डेट लगाने। हम चाहते हैं कि एक हमारा एक्सेल में एक्सेल की एक फाइल है कुछ दिनों बाद अपने आप लॉग आउट हो जाए। अब ऐसा क्यों चाहते हैं ये बताता हूँ। ये मैं यूज करता हूँ, बेसिकली मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, मैं कंपनीज की बहुत सारे फाइल्स पे काम करता हूँ। तो जो हमारे पुराने ट्रस्टेड कंपनीज है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी नया कंपनी ने आया बोला कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दी, और मैंने उनकी रिपोर्ट ऑटोमेट कर दी, मैंने उनको मेल कर दी। अब उसके बाद वो मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अब वो केस करे और कोई कहीं और है, कोई कहीं और है, कोई कहीं और है, अब मुकदमा लड़े? उतना तो नहीं है, दो तीन चार हजार पांच हजार के लिए इतना करना सही नहीं होगा क्या? तो हमने क्या किया, शुरुआत में ऐसा हुआ था मेरे से, तो हमने हमने क्या किया, जब भी हम कोई नए कस्टमर या पुराने कस्टमर जो लगता है कि पैसे देने का नेचर है, तो ऐसे कस्टमर के साथ हम क्या करते हैं कि हम फाइल उनका पूरा ऑटोमेट 100% बना देते हैं, बट उस फाइल के अंदर में हम एक एक्सपायरी कोड लगा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर 30 दिनों बाद या महीने दिन बाद या 15 दिन बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, फिर मुझे फोन करते हैं कि भाई लॉक हो गया, अगर कस्टमर ठीक है तो मैं उनका उसका पासवर्ड बता देता हूँ, कस्टमर ठीक नहीं है तो बोतलों में पैसे दे तो बताऊंगा पासवर्ड, नहीं तो 1 महीने का डेटा गया। अब आपको मैंने ये बात क्यों बोला कि आप इसको ऑफिस में यूज ना करें, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक कंपनी से फोन आया था, उसके जो मैनेजर्स थे वो भी मेरे स्टूडेंट थे, और वहां का जो हमारे एग्जीक्यूटिव था वो भी मेरा ही स्टूडेंट था। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव था उसके कंपनी से उसे छोड़ा था, पर कंपनी ने उसको कहा है कि अब छोटे समय तो हर कोई मतलब कि कंपनी के एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसका पेमेंट नहीं करता है ना सर, तो वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी उसने सैलरी 1 महीने की काट ली। उस लड़के ने क्या किया कि जितने भी फाइल्स उसने ऑटोमेट किए थे उस सारे फाइल में 1 महीने 1.5 महीने का लगा के चला गया पासवर्ड। 1 महीने बाद उनके सारे फाइल बंद। मेरे पास फोन आया तो मैंने तरीका तो बता दिया इसको कैसे करेंगे, लेकिन उसी में रियलाइज हुआ कि मेरे इस चीज का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि प्लीज इसको ऑफिस की फाइल में यूज ना करें, बाकी आपके ऊपर है। और क्या है, हम चाहते हैं कि मेरी फाइल कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे दिस वर्कबुक पे टबल क्लिक किया, यहाँ पे वर्कबुक यहाँ पे ओपन किया, और मैं यहाँ पे देता हूँ कि dim star st as a date और फिर dim d difference as a log, फिर हमने बोला कि d equal to एसटी क्या है हमारा, एसटी स्टार्ट डेट हमने एक्सपायरी डेट डाल दिया कि मेरा फाइल नहीं स्टार्ट डेट माफ कीजिएगा स्टार्ट डेट मैंने डाल दिया कि आज का है, तो मैं यहाँ आज का नाम नहीं दे सकता क्योंकि हर दिन आज ही होगा ना सर, नाम नहीं दे सकता यहाँ पे, नाम मतलब कि डेट टुडे का फॉर्मूला नहीं दे सकता क्योंकि करेंट डेट है, हर दिन तो करेंट ही डेट ही होगा ना, यहाँ पे एक फिक्स डेट डालते हैं जिस दिन फाइल हमारी स्टार्ट हो रही है, तो आज 24 तारीख है तो मैं यहाँ पे 24 सितंबर 1987 कर दूँ, और फिर मैं यहाँ पे डी इक्वल टू हमने बोला डेट मतलब करेंट सिस्टम डेट माइनस एसटी, एंड कंडीशन दिया कि इफ डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31 देन
एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, और एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड यहां पे हमने डाल दिया, राइट। और उसके बाद हम मैसेज देंगे एम एस जी बॉक्स कि योर फाइल हैव एक्सपायर, प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर सुजीत, ठीक है। और फिर यहाँ पे यही नहीं, मैंने यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे एक कोड कब रन होगा, एक कोड रन होगा जब मेरी फाइल ओपन होगी, एवरी टाइम जब भी मेरी फाइल ओपन होगी वो सबसे पहले डिफरेंस निकालेगा, फिर उस डिफरेंस को चेक करेगा कि क्या डिफरेंस इज ग्रेटर देन 31। अगर ऐसा है तो तुरंत पासवर्ड डालो, एक बार जब पासवर्ड डाल देगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, बगैर पासवर्ड की ओपन करेंगे नहीं। और उसने किसी तरह पासवर्ड डाल के क्रैक कर लिया, मान लीजिए क्रैकर से क्रैक कर लिया, और क्रैक करने के बाद जैसे ही ओपन किया अगेन सिस्टम में पासवर्ड डल गई और यहां मैसेज शो किया और फाइल को क्लोज करके हटा दिया। पासवर्ड क्रैक करने के बाद फाइल को ओपन करेगा ना तो फिर पासवर्ड लग जाएगा, फिर मैसेज देगा और इसको फाइल बंद करके हटा, बंद कर देगा, सो कुछ करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये अपना नहीं समझे, यहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा आपको डेट क्या है। तो करेंट सिस्टम में सुनिए सुनिए, हमने फाइल की स्टार्टिंग डेट डाल दी 24 सितंबर, करेंट सिस्टम डेट जो होगा जब कल 25 है तो 25 माइनस 24 होगा, फिर उसकी डिफरेंस डी पे स्टोर होगा, सिस्टम डेट से चलता है। अब इसको बचने की उपाय, बचने का उपाय है कि अगर अगर आपको पता चल गया है कि इसमें ऐसा पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो पता तो चलेगा कब, जो तो पासवर्ड एक बार लग जाएगा तभी तो पता चलेगा। तो आप इसकी कोड को, इसकी वीवीए प्रोजेक्ट को आप एक कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, टूल्स में जाइए, आपको वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शंस और लॉक कर दीजिए, वीवीए की कोड को लॉक कर दीजिए, कोई भी कोड एक्सेस नहीं कर पाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को पता चल गई, तो इससे बचने के लिए वो अपनी सिस्टम डेट को चेंज कर सकता है, इसको हर दिन सिस्टम डेट आपको सितंबर 24 सितंबर से 31 दिन के अंदर ही रखेगा तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हाँ, कौन अब आपको मान लीजिए, आपको इस फाइल में आप बात होती है कि मैं इसको हटाऊंगा कैसे, क्योंकि जैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ये फाइल आपको एडिट मोड ओपन ही नहीं करने देगा। जैसे पासवर्ड माना को पता 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया आपने, फिर जैसे पासवर्ड डालोगे अगेन 1 2 3 पासवर्ड लगा देगा और फाइल को क्लोज कर देगा, आपने फाइल को क्लोज कर दिया होगा, ओपन ही नहीं होने देगा फाइल। बहुत सारे जो पासवर्ड है ये इंग्लिश पे से लिख के पासवर्ड बैठ जाएगा लाइक हाँ प्रोफाइल। हाँ ओके तो आपका इस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फाइल ओपन नहीं करने देगा, तो जाहिर सी बात है जब तक आपकी फाइल ओपन नहीं होगी तब तक कोड चेंज कैसे करोगे, मान लो इसको हटाना हो तो कैसे करेंगे आप, कैसे इस कोड को हटाएंगे बताइए। हाँ, सिस्टम डेट चेंज करके फिर ओपन करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, या फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका
कि आप माइक्रो सिक्योरिटी के जाओ जाके डिसेबल कर दीजिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा, माइक्रो आपका वर्क ही नहीं करेगा और बिगोर माइक्रो वर्क किए हुए ओपन होगा, यहाँ पे दिखाएगा पॉपअप अनेबल माइक्रो का, आप माइक्रो अनेबल ना करो और इसको एक्सेस करो, ठीक है? तो ये चीज है तो इसमें बताना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसने वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में पासवर्ड डाल दिया तो इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का पासवर्ड ना मिल जाए, और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी के पासवर्ड को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसका मिसयूज मत कीजिएगा। जैसे अगर मान लो किसी को टेम्परेरी फाइल तो उस कंडीशन हाँ कर सकते हैं। हाँ मैंने इसका किया था, हमारे कंपनी में क्या था कि आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, पूरे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट को फिल करके फिर ऑफिस को लीक करना है। तो कुछ लोग क्या करते थे कि पहले ही फॉर्म बनाया हुआ था मैंने, उस फॉर्म में भर के सबमिट कीजिए तो एक मास्टर डेटा में आपकी प्रोडक्टिविटी अपडेट मिला देती है। तो हमारे बॉस ने बोला कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट में डेट एंड टाइम मेंशन कर रखा था। हमने बॉस को दिखाया कि बॉस देखिए किसी ने 2 बजे किसी ने 3 बजे फॉर्म भर दिया, मतलब 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कोई किसी के पास काम नहीं था। हमने भी दिखाया बॉस को, तो बॉस ने बोला एक काम करो कि 7 बजे तक उसको रुकना ही है, ऐसा कुछ करो। तो मैंने बोल दिया कि भाई आपका फाइल सिस्टम डेट आपका अगर शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही ओपन होगा, ठीक है? तो हमने और टाइम पे नाउ के अकॉर्डिंग लगा दिया कि भाई इसका आवर 6 से 7 पे हो, 6 से 7, 6 से बड़ा 7 से छोटा हो तभी फाइल ओपन हो, नहीं तो उसको फाइल को क्लोज मार। और सर एक टाइमिंग मैं तो अगर मुझे बनाना हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा 1 बजे 60 होता है तो मैं अगर कोई ऐसे ना कोई सर प्रोग्राम की बता दो कि ये मेरा पूरा भी क्लोज हो गया था, पर जब तक कि टाइम 1 नहीं बजेगा 1 बजे फाइल क्लोज होगी उससे मेरा नहीं 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 हाँ तो बिफोर क्लोज नहीं, हाँ अप्लाई कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे। इसमें कोड आपका वही है, कोड भी नया नहीं है, कोड आपका वही है, बस हम उसको यूज कहीं नहीं कर रहे, एक वही है सब, तो वही है, ठीक है? मिलते हैं कल, ठीक है।